मुद्दे मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए आप मंगल बाजार बच्चे हमारे बच्चों को कितनी दिक्कत होती है। गर्ल्स कॉलेज है और सामने आती लड़की देखिए सीटी बजाते हैं, छेड़ाखानी करती है। कल कोई भी अच्छी नहीं है और जो मेयर खड़ी हुई है हमें कोई भी मेयर पसंद नहीं है। इस माल करने के योगी जी आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग गड्ढे में गिर जाए। सुरक्षित अभी भी नहीं है, चाहे योगी का राज भी है लेकिन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। चलते मैं राम मतलब कमेंट करते लड़के और कंप्लेन भी करो तो ज्यादातर सुनवाई होती नहीं है। चलते लड़कियों को छेड़ाखानी फौजाबाद में तो और ही ज्यादा हो रही है। ये लाइट का लाइट कौन फॉलो कर रहा है? कोई फॉलो नहीं करता लाइट, लाइट जलती रहती है, लोग निकलती रहती है, ये कोई फॉलोइंग हो रही है? मतलब चैंस लोग तुम्हारे आते हैं वहीं ठोक देते हैं, अच्छा नहीं लगता। पैसे वाला इंसान कुछ भी कर सकता है आज के ज़माने में, गरीब आदमी कुछ नहीं है ना, बस ये फराक आता है ना कुछ। फिरोजाबाद नगर निगम का चुनाव अब जो है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है। 4 तारीख को ये चुनाव है और सरगर्मियां जो हैं वो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे जिन्होंने जनसभा करी थी बीजेपी की ओर से। अब हम जानते हैं चूंकि ये जो माहौल है ये अब गर्म है और यहाँ जो सीट है महिला ओबीसी की सीट है, तो हमने सोचा कि कुछ महिलाओं से ही हम बात करें, कुछ युवाओं से बात करें। तो आज हम हैं दाऊदयाल महिला कॉलेज में और यहाँ पर हम इन बच्चों से जानेंगे, ये जो आज की युवा पीढ़ी है इससे जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव है। कुछ सवाल पूछेंगे हम आपसे, आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो आप चुनाव है ना, कितनी तारीख को होने वाला है पता है आपको? 4 मई को, वेरी गुड, आपको पता है। तो 4 मई को ये जो मेयर का चुनाव है, इस मेयर के चुनाव में महिला ओबीसी सीट है, तो जितनी भी कैंडिडेट हैं वो सारी महिलाएं हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो महिला हैं वो इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में अग्रसर हैं और उनका कितना रोल है? कौन जवाब देगा? आप, क्या नाम है आपका? देवकी सर। देवकी जी, देवकी जी आप बताइए। सर मतलब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है, लेकिन महिला बहुत कुछ कर सकती है। महिलाओं को मेयर में होना चाहिए, चुनाव में इलेक्शन में महिलाओं को सक्सेस होना ही, क्योंकि जैसे अभी नूतन राठौड़ हुए वो भी महिला थी। महिला को होना भी जरूरी होता है क्योंकि महिला सब कुछ कर सकती है, इसलिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि ये जो इस बार जो प्रत्याशी हैं आप जानते हैं? कामिनी राठौर जी हैं भाजपा से और समाजवादी पार्टी से मशहूर फातिमा जी हैं, ऐसे ही सारे पार्टियों से अलग अलग तरह की महिलाएं हैं। तो आपको ये लगता है कि इस तरह जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं वो सारी गृहिणियां हैं, तो क्या वो गृहिणियां वो काम कर सकती हैं जो काम एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर सकता है या फिर एक पुरुष कर सकता है? यस सर, महिला कर सकती हैं बिल्कुल, महिला हाउस वाइफ भी बोली जाती है, लेकिन महिला मेयर का पद भी संभाल सकती हैं। जैसे मतलब अभी आपने सुना होगा जैसे पाषाण काल से मतलब चला आ रहा है कि जैसे अभी मतलब मेयर थी नूतन राठौर और उससे पहले भी मतलब कल्पना चावड़ा से ले लो जनरल स्टोर से, मतलब तब से हमारा सॉरी मतलब वो चला आ रहा है। इस टाइम से महिला सब कुछ संभाल सकती हैं, हाउस वाइफ भी है महिला और मेयर महिला पद भी संभाल सकती हैं। महिलाओं को मेयर में लाने जाना भी चाहिए और उनको सूट भी मिलना चाहिए इस तरीके से। चलिए और इधर कुछ लोग हैं, आपको फिरोजाबाद के अंदर क्या कमी दिखती है और जिसको एक मेयर को सुधारना चाहिए? फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा कमी मुझे तो सफाई की लगती है, जगह जगह गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा, सफाई तो मेयर को बिल्कुल करनी चाहिए फिरोजाबाद की। सर पानी की सप्लाई जी, और क्या समस्या दिखती है आपको? सर सफाई तो है और जब हम आते हैं ना तो बीच में बहुत सारी गंदगी मिलती है और मतलब जेंट्स लोग तम्बाकू खाते हैं वहीं थूक देते, ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता जो जेंट्स लोग तम्बाकू थूकते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो जेंट्स लोग तम्बाकू थूकते हैं इन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो आगे से आप इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा और जहाँ तहाँ ना थूकें, थूकने के लिए भी थूकदान बनाए गए हैं तो उनका प्रयोग जरूर करें। जी और क्या कमी दिखती है आपको इधर, क्या कमी दिखती है आपको? जैसे मतलब सरकार ने कमी तो वो पूरी की है पर लोग यूज नहीं करते उसका। हाँ। सही तरीके से। अच्छा। वैसे तो सही है। ठीक है, तो क्या और कमी दिखती है आपको? वैसे तो कहीं पानी की कमी है और पानी की कमी है। अच्छा आपको क्या कमी दिखती है? सर जी ये सफाई की और पानी की ये कमी हो, यही कमी है। आप बताइए क्या कमी दिखती है? कमियाँ तो सरकार थोड़ी बहुत पूरी कर रही है लेकिन कमियाँ बहुत सारी है, बहुत सारी, जैसे कि अभी राह चलते लड़कियों को छेड़ाछानी फिरोजाबाद में तो और ही ज्यादा हो रही है। अच्छा। ऑटो में बैठ जाओ तो ऐसे ही मतलब हाँ
फालतू के कमेंट मिलते हैं रस्ते पे लड़कियों को, तो इसका भी क्या कह रही थी जैसे चलते मैं रहा मतलब कमेंट करते हैं लड़के और कंप्लेन भी करो तो ज्यादातर सुनवाई होती नहीं है, बोल देते हैं लड़कियां हैं जी वो बदनामी की वजह से चुप करा देते हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी थोड़ा करना चाहिए सरकार को। योगी जी कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और दिया है लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक लगता नहीं है सर, वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दिया है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए महिलाओं के लिए उस तरीके से नहीं किया गया, महिलाओं को सुरक्षित अभी भी नहीं है, चाहे योगी का राज भी है लेकिन कुछ भी सुरक्षित नहीं है अभी भी। जी जी, योगी के राज में सुरक्षित नहीं है जी खुलेआम। और क्या कमी दिखती है सर? बस यही है, फिरोजाबाद में गंदगी है काफी, सफाई नहीं रहती है और पानी वगैरह की यही। चलिए बच्चों के लिए भी कुछ मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भी दिलनी चाहिए और गरीब परिवार से मतलब बेटियां हैं उनको लिए भी कुछ फीस वगैरह भी माफ होनी चाहिए, ये भी सरकार तो। और क्या सुधार होने चाहिए देश में, आपको क्या लगता है क्या सुधार होने चाहिए देश में? अभी आपने कल देखा योगी जी आए थे फिरोजाबाद में, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो मतलब उसके फोकस में इतना लोग घुल मिल जाते हैं कि किसी का तो फिर ख्याल ही नहीं रहता। कल आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद में सवारियां इतनी परेशान हुई कि आप सोच भी नहीं सकते, बस वालों ने मैनपुरी से आते ही बस को मक्खनपुर पे उतार दिया, कम से कम सैकड़ों सवारियां इतनी परेशान है जिनका 110 का किराया लगता है, कल वो 500-500 रुपए में आए। अच्छा। ऑटो पकड़ के इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कम से कम 50 बस रोक दी गई थी क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, उसका भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। थोड़ा बहुत तो मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। आम जनता को आम ही रहने दो, आम जनता तो आम है, वो तो आम है। जब कोई वोट देता है जनता अपने मतलब अपनी सुरक्षा के नहीं देते हैं, इस मारे तो नहीं कि योगी जी आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग गड्ढे में गिर जाए, हाईवे है ये है वो, तो एक कार तो चलाते रहना चाहिए ना। जी जी, कुछ तो चलाते रहना चाहिए भाई, देखो दर्द है इन युवतियों का तो दर्द को समझना चाहिए, सरकार को भी दर्द समझना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? बस मेरा फोकस यही है कि मतलब देश में अभी काफ़ी सारा ऐसा है जो सुधार नहीं हो सकता, गरीब परिवार है उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं है, जैसे मतलब उज्ज्वला वाली निकाली थी उसमें भी कोई सुधार नहीं है, उसकी सब्सिडी भी नहीं आ रही है, उसकी दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, इस चीज़ का भी सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट करती भी है तो ऊपर के लोग देते नहीं है, यहाँ पे जो लोगों के लिए आती हैं सुविधाएं वो यहाँ मिलती नहीं है, कितना भी ट्राई करो जो बीच में बैठे हैं वो लोग खा लेते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है। चलिए तो एक सुशासन के लिए क्या होना चाहिए, कैसे आप समझते हैं कि एक अच्छा शासन हो, महिलाओं की दृष्टि से एक शासन बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट में अगर आपसे पूछूं तो कुछ पॉइंट में आप जवाब दे सकते हैं क्या? बहुत अच्छा अगर महिलाओं की दृष्टि से एक अच्छा शासन हो तो एक एक पॉइंट में सबसे जानना चाहता हूं, महिलाओं की दृष्टि से एक अच्छा शासन कैसे होता है, महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, चलिए आपके लिए क्या होना चाहिए अगर मैं आपके मेरे लिए एजुकेशन से बढ़ के कोई कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो एजुकेशन तो हमेशा महिलाओं के लिए फर्स्ट नंबर पे रखनी चाहिए। जी एजुकेशन रखनी चाहिए, ठीक है आप बताइए। नहीं आपके हिसाब से क्या? हाँ आप बोलिए पहले, चलिए आप बोलिए। महिलाओं को सर आज भी मतलब समाज में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के जरिए से, हर चीज़ में उन्हें भाग लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए। आज भी मतलब महिला ऐसी हैं गांव में जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती, पढ़ने के लिए भी नहीं मिलती, ना ही किसी इलेक्शन वगैरह में जाने के लिए नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो गाँव में नहीं मिल पाती है, शहर में तब भी मिलती है लेकिन गाँव में नहीं मिल पाती है, ये सारी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। सर मिल भी जाए वैसे भी है तो ये फीस कम नहीं हो पाए, फीस नहीं है, कोई मेयर जो भी खड़ी हुई है कोई भी मेयर हमें पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो? सरकार कोई भी अच्छी नहीं है और जो मेयर खड़ी हुई है हमें कोई भी मेयर पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं कि हम युवा बने मेयर, मैं तो युवाओं से कहूंगी कि आप लोग आइए निकल कर, क्यों आप बताइए कामनी राठौर जी हैं या जो भी है, मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी खड़ा हो जो भी युवा मेयर खड़ा हो युवा आए आगे निकल के, लेकिन युवा को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि मैंने भी पूछा था कि मुझे मेयर के लिए खड़ा होना है, आप खड़ी होना चाहती हैं आप, क्या आप खड़ी होंगी, ये होगा काट दिया फोन, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, आपको बताना चाहिए आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो ये गलत है।
अच्छा तो आपके क्या मुद्दे थे, आप किन मुद्दों को लेकर अगर आप आना चाह रही थी तो किन मुद्दों को लेकर आना चाह रही थी? मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए आप मंगल बाजार बच्ची हमारे बच्चों को कितनी दिक्कतें होती है, गर्ल्स कॉलेज है और सामने आती लड़की देखिए सीटी बजाते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, हर लड़की युद्ध करने वाली है क्या, लेके उसे मार देगी या कर देगी, कुछ सीधी भी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। मंगल बाजार हटवाया किसी ने मंगल बाजार नहीं हटवाया। मंगल बाजार अभी भी लगता है, अभी भी हुड़दंग होता है, कितना शोरगुल होता है, ये लोग क्लास लेते हैं। एक चीज है, एक मुद्दा है एजुकेशन पे, कौन निकल के आया, एजुकेशन भी देखिए कितनी पिछड़ रही है बच्चों की, का क्या साधन है, कोई साधन नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? साक्षी मिश्रा। साक्षी, 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 और महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, एक मेयर से आप क्या उम्मीद करती हैं अब जो आने वाला मेयर? सबसे पहले तो ये मंगल बाजार हटे, हमारी सबसे पहले तो यही एक मतलब विश रहेगी कि मंगल बाजार जिस दिन हट जाएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी बच्चियां आती हैं ये बहुत परेशान होती है, इनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं मंगल बाजार वाले दिन। और भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जब आ रही है तो पुलिस है, आप इन पे लगाइए प्रतिबंध। ये लाइट का, लाइट कौन फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं करता है, लाइट लाइट जलती रहती है, लोग निकलते रहते हैं, ये कोई फॉलोइंग हो रही है, बोर्ड सी वे पुलिस बैठी है, मक्खी मच्छर मार रही है, क्या तरीका है, स्ट्रिक हुई है ना, एक पाबंद होती है, एक कानून होता है, उसे हाथ में लीजिए ना अच्छे से, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है बस। थैंक यू। तो ये युवा हैं जो बोल रहे हैं, ये युवतियां हैं जिन्होंने आज बताया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और एक महिला की दृष्टि से क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना कुछ जो बदलाव है वो लाना अभी बाकी है, क्योंकि जो निरंतर लोग कह रहे हैं, जो कहते हैं और जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं उससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो, और जो ख़ास तौर पर महिलाओं की बात करें तो वो शुद्ध हैं। आपको पता है मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं 4 मई को, तो कैसा मेयर चाहती हैं? कोई भी आ जाए हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई भी मेयर हो। कैसा, कैसी सुविधा, क्या सुविधा चाहती हैं? सबसे पहले तो हमारे कॉलेज की फीस ही कम होनी चाहिए जिससे बच्चे आगे पढ़ पाए, इतनी फीस हो गई है कि बच्ची आगे पढ़ ही नहीं पाती है। अच्छा। कभी उसकी री वाली इतनी फीस दे देती है, कभी जो प्रत्याशी खड़ा करते हैं ना, ये सब नोटों से खड़े होते हैं प्रत्याशी, कोई भी निर्दलीय भी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पैसों से तो खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई, पैसा दिया होगा इसलिए खड़ी हुई, वरना अगर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो ना, अगर आम आदमी क्यों नहीं खड़ा हो पाता, मैंने भी कोशिश की लेकिन मैं खड़ी हो पाई नहीं। निर्दलीय हो सकते थे ना, निर्दलीय खड़े हैं, और कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था ना, फोन किया मैंने बहुत लोगों के पास फोन किया लेकिन कोई किसी ने भी मुझे गाइडेंस नहीं दिया, फोन कट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारी कुर्सी छिन जाएगी, कुर्सी का दम है ना। असली बात ये है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आगे पैसे फेंक के अपनी चेयर को ले सके, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है पैसे की, और वो तो पैसे देती हैं कुछ भी पा लेती हैं। पैसे वाला इंसान कुछ भी कर सकता है आज के जमाने में, गरीब आदमी कुछ नहीं है ना, बच्चे पढ़ा पाता है ना कुछ। तो ये दर्द है, ये महिलाओं का दर्द है, ये युवतियों का दर्द है, ये हमारे देश की जो निधि है, महिलाएं हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो महिला प्रधान है और वो अग्रसर हो रहा है, निरंतर उसमें सुधार आ रहे हैं, और हम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या सुविधा की दृष्टि से बात करें, हर दृष्टि से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आप सभी से यही अपील रहेगी कि आप आने वाली 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका मत ही जो है वो हमारे फिरोजाबाद का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का भविष्य बदल सकता है।